वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 25 जनवरी 2020 और 25 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मत घबराना जिंदगी में परेशानियों की पतझड़ से, मेहनत की बसंत खुशियों की बहार जरूर लाएगी। खून पसीने से सींचना अपनी कोशिशों को, इन कोशिशों के बल पर ही कामयाबी आएगी। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न, और बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर लिखा था। सबसे पहले तो मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ। क्वेश्चन था हमारा, किस राज्य के नगर पालिका चुनावों में फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में ये शुरुआत की जाएगी, और आई होप आज के क्वेश्चन का भी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 24 जनवरी। 24 जनवरी को हर साल यह दिवस देश भर में मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या है? लड़कियों को हर लिहाज से अधिक सहायता और सुविधाएं प्रदान करना। इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस का एक अन्य उद्देश्य लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना भी है, और इसकी शुरुआत 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा की गई। तो शुरुआत की बात करें 2008 से की गई, किसके द्वारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार। चलिए मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की साइड। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर नहीं किया तो फटाफट से अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और फेसबुक पे जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं सभी ग्रुप में फटाफट से शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएं। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की साइड, जो कि है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में किस देश को रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार। म्यांमार के द्वारा यह आदेश दिया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार को अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार रोकने, उन्हें उचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। अब हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार की सरकार को वर्ष 1948 के नरसंहार समझौते का पालन करने और रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए भी त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया। अब 1948 का संयुक्त राष्ट्र नरसंहार समझौता नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों के नरसंहार के बाद से लागू किया गया था, जो कि पूछा जा सकता है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब ये किस चीज से रिलेटेड है हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना आरंभ की गई है, और इस योजना के तहत बीमे के वारिस के तौर पर किसान के परिवार के अलावा बटाईदार भी हकदार होगा, और इस योजना के दायरे में प्रदेश के 2 करोड़ 38 लाख 22 हज़ार किसान आएंगे। और योजना में शर्त भी रखी गई है कि दुर्घटना में किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर सभी कागजात 45 दिन, कितने दिन का टाइम पीरियड दिया गया है? 45 डेज 45 दिन के अंदर तहसील कार्यालय में आवेदन सहित जमा कराने होंगे। और उम्र की बात करें तो उम्र इसमें क्या बताई गई है? 18 से 70 वर्ष तक की उम्र के लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की साइड, जो कि है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि बर्थ टूरिज्म के नाम पर दूसरे देशों से आने वाली गर्भवती महिलाओं पर रोक लगाने के लिए नई पाबंदियों का ऐलान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका में यह ऐलान किया गया है, और अमेरिकी प्रशासन ने यह भी घोषणा की है कि दूसरे देशों से आने वाली गर्भवती महिलाओं को टेम्परेरी विजिटर
वीज़ा नहीं दिया जाएगा। टेम्परेरी वीज़ा होता है, टेम्परेरी विजिटर का वीज़ा होता है, वो नहीं दिया जाएगा। ऐसी घोषणा किसने करी है? अमेरिका ने। और अमेरिका में बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाने के लिए ये पाबंदियां लगाई गई हैं। अब हम बात करें कि ट्रंप की गवर्नमेंट का कहना है कि नए नियमों का संबंध उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा से भी है और इसमें बर्थ टूरिज्म के जरिए आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाना भी शामिल है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की साइड, जो कि है फिफ्थ क्वेश्चन। और क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य में 644 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है असम। असम इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। असम के 8 प्रतिबंधित संगठनों के 644 उग्रवादियों ने 177 हथियारों के साथ मुख्यमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल के सामने आत्मसमर्पण किया और इनमें उल्फा NDFB, मैं लिख देती हूँ एक मिनट, उल्फा ठीक है, और NDFB, RNLF और CPI, ये सबके सदस्य, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबके सदस्य मौजूद होंगे और इनका मतलब इनकी मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। उग्रवादियों ने जिन हथियारों को सौंपा उनमें एक मैं बता देती हूँ, ये हथियार थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, AK-47, उसमें AK-47 और AK-56 जैसे कई अत्यधिक मात्रा में हथियार शामिल हैं। तो उन लोगों ने आत्मसमर्पण किया, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में 644 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया, तो इसका करेक्ट आंसर इसलिए असम बन जाता है। और असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, और राज्यपाल का आप लोगों का नाम कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है। चलिए मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है? महाराष्ट्र के बाद अब किस राज्य ने, राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सर्कुलर जारी कर दिया गया कि प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में हर शनिवार संविधान की प्रस्तावना पढ़ना जरूरी होगा। इससे पहले इसी तरह का आदेश महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया और सरकार ने कहा था कि महाराष्ट्र में 26 जनवरी से सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और होना चाहिए। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना का पाठ हर दिन सुबह की प्रार्थना के बाद किया जाएगा, तो जो कि ज़रूरी है। चलिए देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहता है। सेवन्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक समारोह में कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 49 बच्चों को सम्मानित किया। पुरस्कार पाने वाले बच्चों की उम्र 5 साल से 18 साल तक की है। एज की बात करें 5 साल से 18 साल तक के बीच की है। और बाल शक्ति पुरस्कार नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक, खेल, कला एवं संस्कृति और बहादुरी के क्षेत्र में बच्चों को दिया जाता है। इसके तहत एक पदक, 1,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और एजुकेशन से रिलेटेड भी कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं एट्थ क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है? हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मारने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल प्रशिक्षण किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ये मतलब प्रशिक्षण किया। और गजनवी, अब पूछा जा सकता है गजनवी कहाँ की मिसाइल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? पाकिस्तान। गजनवी एक हाइपरसोनिक और सतह टू सतह, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। और गजनवी मिसाइल नेशनल डिफेंस परिसर द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा? नेशनल डिफेंस परिसर के द्वारा विकसित की गई है। यह मिसाइल 290 किलोमीटर 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है और इसके अलावा ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। चलिए मूव करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की साइड, जो कि है, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एयर पॉलिटिक्स रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कितने भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है?
इसका करेक्ट आंसर है 231। 231 इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम में शामिल 287। 287 भारतीय शहरों में से 231 शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार है। 231 इसका करेक्ट आंसर इसीलिए बन जाता है। और इन शहरों में पीएम टेन की मात्रा तय राष्ट्रीय मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कहीं ज़्यादा दर्ज की गई है, जो कि बहुत मतलब डेंजरस है। और इस रिपोर्ट को 287 शहरों के 52 दिनों से अधिक के आंकड़े के आधार पर, मैं बता देती हूँ किस बेस पर, 287 दिनों के 287 शहरों के 52 दिनों के आंकड़े के बेस पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार कोयला खदानों के लिए मशहूर झारखंड का जरिया सबसे प्रदूषित शहर है। कहाँ? झारखंड में एक झरिया नाम की जगह है, वो सबसे प्रदूषित है, ठीक है। तो मूव करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की साइड, जो कि क्या कहता है, हाल ही में किस वायरस के कारण चीन के वुहान शहर में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, कोरोना वायरस, वुहान शहर में कोरोना वायरस के लिए, कोरोना वायरस के वजह से प्रतिबंध लगा दिया। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी है, कंटिन्यू है, इसलिए चर्चा में है। और कोरोना वायरस के फैलते प्रकोप पर लगाम लगाने की कोशिश के तहत चीन ने अपने मुख्य शहर वुहान को पूरी तरह से बंद कर दिया। कोरोना वायरस वायरस का एक प्रकार है जो सामान्यतः स्तनधारियों के श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है, इसमें मानव भी शामिल है। तो मूव करते हैं आज के होमवर्क के प्रश्न की साइड, जो कि क्या कहता है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो इसके ऑप्शंस हैं चीन, रूस, नाइजीरिया, सूडान। तो आई होप सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके बगल में एक बेल आइकॉन भी नजर आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे।